ये बिग बॉस विनर हैं अल्पेश यादव, OTT सेकंड के विनर हैं और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर भी हैं, कि इनके पास कुछ धमकी भरे मैसेजेस आए हैं 17 अक्टूबर के अराउंड, जिसमें इनसे लगभग 40 लाख पहले और फिर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। गाइज एल्विस यादव के तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एल्विस यादव को 1 करोड़ का धमकी मिला था और उस बंदे को अरेस्ट भी कर लिया गया है। गुड़गांव पुलिस के द्वारा उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने उसके बारे में बहुत कुछ बोला है। गाइज एल्विस यादव को फोन कॉल करके गाइजर 1 करोड़ का डिमांड कर रहा था, 1 करोड़ का धमकी मिल रहा था, तो एल्विस यादव ने जल्दी से शायद के FIR दर्ज करवा दिया था, केस कर दिया था जाके। तो गाइज गुड़गांव पुलिस ने बहुत ही जल्द एक्शन लिया और गाइजर उसका नोटिस भी आ गया और पुलिस ने उसे अरेस्ट भी कर लिया। कैसे अरेस्ट किया पुलिस ने खुद बोला है, पुलिस ने खुद दिखाया। गाइजर क्या चीज दिखाया और क्या चीज बोला है गुड़गांव पुलिस ने, चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाता हूँ। सर, बिग बॉस विनर एल्विश यादव को फिरौती मांगने की मैसेज आया, क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई पुलिस ने की? ये बिग बॉस विनर हैं एल्विश यादव, OTT सेकंड के विनर हैं और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर भी हैं, और इनके माध्यम से हमारे पास एक गुड़गांव पुलिस के पास एक सूचना और शिकायत प्राप्त हुई थी कि 25 अक्टूबर को, कि इनके पास कुछ धमकी भरे मैसेजेस आए हैं 17 अक्टूबर के अराउंड, जिसमें इनसे लगभग 40 लाख पहले और फिर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। उस संबंध में गुड़गांव पुलिस के माध्यम से हमने एक केस रजिस्टर्ड करा गया है और फिर हमारे जो कमिश्नर पुलिस हैं विकास अरोड़ा IPS, उनके दिशा निर्देश और उनके आदेश अनुसार एक टीम गठित करी गई और हमारे संबंधित जो DCP क्राइम है उनके मार्गदर्शन में फिर उस टीम ने काम करा है और गुजरात पुलिस के इससे काफ़ी सहायता प्राप्त हुई है। हमने कुछ जो हमारे पास इनपुट्स आए थे, जो डिटेल्स हमारे से शेयर हुई, जो संबंधित हमने जानकारी इकट्ठी करी वो गुजरात पुलिस के साथ हमने शेयर करी और फिर हमने एक अपनी टीम रवाना करी और वहाँ से एक जो सस्पेक्ट था हमारे इस केस का उसको अरेस्ट करने में हमने सफलता प्राप्त करी है। सर, क्या पहचान आरोपी की हो पाई है और क्या उसका मकसद था, क्या बैकग्राउंड उसका निकल कर रहा है? ये शाकिर मकरानी है, वड नगर जो है वहाँ पर गुजरात का निवासी है, 24 साल इसकी उम्र है और ये शाकिर मकरानी सन ऑफ जाकिर है। ये फादर और बेटा दोनों ही बतौर एज ए RTO एजेंट जो वहाँ पर RTO एजेंट का काम कर रहे थे, तो उस इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है जो शाकिर मकरानी है, और गुजरात पुलिस के माध्यम से हमें काफी कुपोषण मिला है। वजह क्या निकल कर आई है, क्यों इसने फिरौती मांगने की कोशिश की? देखिए, जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव हैं वो काफी लोगों के ऊपर प्रभाव डालते हैं, अपने अपने जो वीडियोस बनाते हैं या जिस तरीके की चीजें वो बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, तो ये भी कहीं ना कहीं उनके लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस हुआ है और एक छोटी उम्र में ही काफी पैसे कमाने की इच्छा और चाह रखते हुए इस तरीके से इसने इस प्लानिंग को अंजाम दिया और फिर कहीं किसी माध्यम से इनके नंबर वगैरह अरेंज करके इनको व्हाट्सएप के माध्यम से धमकी भरे मैसेज भेज दिए। सर, क्या एल्विश यादव की सिक्योरिटी अब बढ़ाई जाएगी? देखिए, संबंधित वो बिल्कुल जो भी जायज कदम उठाए जा सकते हैं वो बिल्कुल गुड़गांव पुलिस के माध्यम से करें। ऑलराइट गाइज, होप कि आप सभी ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया और इस चीज से रिलेटेड आप सभी को क्या लगता है गाइज, आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में देके जाना और कौन हो सकता है ये गाइज, क्या लगता है आप सभी को, आप अगर थोड़ा बहुत भी जानते हो तो गाइज कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। सो गाइज अभी के लिए बस इतने, मिलते हैं न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।